हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए कस्टर्ड पाउडर से बनी कस्टर्ड केक की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप हमारी बताई गई सारी टिप्स को फॉलो करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका केक भी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। तो कस्टर्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर में 100 ग्राम बटर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक कप पिसी हुई चीनी डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड होने के बाद एक कप दूध डालेंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो गर्म और ना ही ठंडा। 1 टी स्पून विनेगर, 3 से 4 बूंद वनीला एसेंस की डालकर अच्छे से फेंटेंगे। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, आप इसे एक बाउल में निकालेंगे। मिक्सर को इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा छनी हुई होनी चाहिए। 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखना है, इसे इसी कंसिस्टेंसी तक फेंटना है। उसके बाद हम एक बाउल को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके बाद इस बाउल में हम अपना बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हल्के हाथ से 1-2 बार टैप करेंगे। केक बनाने के लिए हमें कढ़ाई में नमक डालकर प्री हीट कर लिया है। अब नमक के ऊपर जाली रखकर बैटर वाला बाउल रखकर 25 से 30 मिनट के लिए ढककर इसे बनने देंगे। 30 मिनट बाद हमारा केक बनकर चुका है। इसे हम नाइफ डालकर चेक कर लेते हैं। हमारा चाकू बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से हीट हो चुका है। इसके पीसेज करके इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा कस्टर्ड केक कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीक़ों से चटपट तैयार होने वाली रेसिपीज लेकर आते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर रेसिपी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।